वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ढेर सारी अल्लाह ताला खुशियां दे। आज मैं आपके लिए बड़ी स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ कीमा बिरयानी। बिरयानी तो आपने बड़ी खाई है, इस तरह की बिरयानी भी बनाएं, बहुत आसान सी रेसिपी है। आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने कीमा बिरयानी बनाने के लिए 2 गिलास पानी के लिए है 3 पाव मैंने कीमा लिया है। कीमा मेरे पास बीफ है, ये मैंने कीमा लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले वगैरह डालूंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी सूखा धनिया साबुत 2 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून, कुटी हुई मोटी कुटी हुई मिर्च 1/2 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 इंच का अदरक, चाहे आप कूट लें चाहे इसको छोटा छोटा सा ब्रिक ब्रिक काट के डाल दें, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। 3 बड़े प्याज लिए हैं और 1 गठी मैंने लहसुन की ली है। लहसुन को मैंने छील के और प्याज को मैंने काट के धो लिया है। ये सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। 6 अदद टमाटर लिए हैं, टमाटरों को मैंने ब्रीक ब्रीक सा काट लिया है। सब कुछ इसके अंदर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1/2 घंटे के लिए मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी, ताकि ये जो कीमा है वो गल जाए, जो ये सारा मैंने मसाले वगैरह और ये प्याज ये सब कुछ गल जाए। 1/2 घंटे के लिए मैंने इसको लो से मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। दूसरी साइड पर मैं चावल बॉईल कर लूँगी, फिर बॉईल करके मैं आगे आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बिरयानी बनेगी। 2 चम्मच मैंने ये वाले घी के डाल दिए। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। इस टाइम आकर मैं बिरयानी मसाले का 1 पैकेट इसके अंदर डाल दूँगी। ये डालने से आपकी बिरयानी में खुशबू बड़ी अच्छी आती है और बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। पानी तकरीबन खुशक होने वाला है। जी और जी, देखें घी बिल्कुल अलग हो चुका है, आप ये देख सकती हैं, और इसकी बुनाई बड़ी अच्छी हुई है। अब मैं इस टाइम आकर फ्लेम को करती हूँ ऑफ और चावलों को मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। आइए इसकी तह लगाना शुरू करते हैं। चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है और चावल मैंने निकाल लिए हैं, थोड़े से चावल रहने दिए हैं मैंने। इस टाइम आकर ये जो मैंने कीमे की बुनाई की है, ये कीमा हम इसके ऊपर डालेंगे। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कीमा डालने के बाद इसके ऊपर थोड़े कटे हुए टमाटर डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये मैंने रेड चिली ली है, अगर आपके पास रेड चिली है तो वो डाल दें, ग्रीन चिली है तो वो डाल दें। फिर इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे। ये स्टेप हम 2 करेंगे, 1 हो गया है। दोबारा से कीमा डालेंगे। टमाटर, हरी मिर्चें, चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया है जर्दा रंग, जितना आप पसंद करती हैं आप उतना इसके अंदर जर्दा रंग। मैंने 1/2 टीस्पून ली है जर्दा रंग, मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इस टाइम आकर इसको कवर कर देंगे, इसको दम पे रख देंगे। जी व्यूअर्स, चावल 10 मिनट के लिए मैंने दम लगाए थे, चावल दम आ चुके हैं, तो आइए इसको आप चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका दम खोलते हैं। बड़ी खुशबू आ रही है, बड़े ज़बरदस्त चावल लग रहे हैं। जी व्यूअर्स, चावल दम आ चुके हैं, कीमा बिरयानी तैयार हो चुकी है, बड़ी लजीज बड़ी शानदार तैयार हुई है। इसी रेसिपी को फॉलो करें, घर में इसको ज़रूर बनाएं। इसके अंदर मैंने दम लगाते हुए थोड़ा सा दही भी डाला था, 1/2 कप, वो वीडियो स्किप हो चुकी है, इसके अंदर दही भी डालना है। बीफ कीमा बिरयानी बहुत मज़े की बनी, बहुत अच्छी बनी है, देखने में भी बहुत अच्छी और खाने में भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसको ज़रूर बनाएं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।